स्टार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज कन्वर नगर में यहाँ पे एक मंडप के अंदर हम लोगों ने 45 अबाव जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन कैंप यहाँ चल रहा है। सुबह 11 बजे से स्टार्ट है, तकरीबन अब तक 100 अबाव लोगों ने ले लिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब का, खास करके हमारे कमिश्नर साहब का और हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब का, केंद्र सर भाई साहब का, हमारे नजीमुल्ला साहब, हमारे जो तमाम नेता आनंद राजे साहब कि ये लोगों के सपोर्ट से आज हमारे ये जो साथी सब खड़े हैं। इनकी मांग थी कि हमारे तनवर नगर पे यहाँ पे इलाके के अंदर बहुत दिनों से यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप का मामला नहीं हो पाया था, यहाँ बहुत लोगों की डिमांड थी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी हर जगह पे वैक्सीनेशन अगर आदमी नहीं कराता है तो उसको कहीं ना कहीं, चाहे वो रेलवे को लेकर के हो, चाहे वो कहीं पे भी उसको कहीं मॉल में जाना हो, स्कूल कॉलेज हो, तो उसके लिए सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दी गई है वैक्सीनेशन की। उसे देखते हुए आज ये जो क्राउड है, ये जो लोग आ रहे हैं, सुबह 6 बजे तक यहाँ लोगों ने लाइन लगाया है, तो सबको जो लोगों को टोकन दिया गया है उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और बहुत खुशी की बात यह है कि थाने महानगर पालिका की जानिब से मुमरा शहर कलवा थाने के अंदर वैक्सीनेशन कैंप बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। यहाँ पे जो सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, खास करके शिंदे साहब हैं और जो भी लोग हैं जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और मेरे तमाम साथी ये जो हमेशा यहाँ मौजूद हैं लोग, मैं सबका नाम तो लेके मैं नहीं कह सकता, आपके कैमरे के सामने हैं ये लोग, हमेशा डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के हम लोग सिपाही हैं और हमेशा जब भी हमारे शहर के लिए कोई ज़रूरत होती है ये सब फ्रंट रेड की तरह खड़े रहते हैं और हमेशा मदद करते हैं लोगों की, यही मैं कहना चाहता हूँ। शनि भाई, उसे वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं और वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रही है, तो आपकी तरफ से इस तरह की कैंपों का आयोजन क्या आगे और भी किया जाएगा? देखिए, कैंप का आयोजन तो डेली हो रहा है मुमरा शहर में, परसों रशीद कंपाउंड में था, इस तरीके से आज स्टेडियम में भी है। जितना चाहिए तादाद के साथ लोगों को मिल रही है, लेकिन मैं एक मांग करूंगा कि ये जो कैंप चल रहे हैं, जैसे जो बस वाली कैंप चल रही है, ये कैंप 45 अबाव चल रही है, मैं उसके लिए मांग करता हूं कमिश्नर साहब से, खास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से भी मैंने बात किया है और हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब से कि आप इसको 18 अबाव करो, यानी 45। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, सुबह से खड़े थे, उनको ये लग रहा था कि ये जो है 18 अबाव है, लेकिन हमने उनको बताया, हमारे साथियों ने बताया कि भाई वो 45 अबाव है। तो ये जो बस वाली कैंप चल रही है, इस बस वाली कैंप के अंदर भी जो कैंप लगाए जा रहे हैं, मेरी मांग है थाने महानगर पालिका से कि इसको भी जिस तरीके से आप स्टेडियम में और बहुत सारी फरुद्दीन शाह बाबा के दरगाह वहाँ पे, जहाँ पे एक शानू भाई जहाँ पे हॉस्पिटल है, और भी जो कैंप दिया जा रहा है, इस तरीके से आप जो बस की कैंप देते हैं वहाँ पे भी जो 18 अबाव लोग हैं उनको भी दिया जाए, ऐसी मांगनी करता हूँ मैं। देखिए, मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत डॉक्टर जितेंद्र रावत जी के मार्गदर्शन में कोविड वैक्सीन के सेंटर होने के बावजूद लोगों को दिक्कत होती है, तो हमारी तरफ से, मेरे और शमीम खान जी की तरफ से, हम लोग हर जगह कैंप लगा रहे, जिसके लिए आज हमारे दूसरे अपार्टमेंट के एरिया में हमारे विधानसभा कार्यालय के आसपास कैंप लगाया गया। लेकिन मेरी शमीम खान जी से बहुत चर्चा हुई और उनकी मांगनी भी थी कि 45 अबाव बहुत जगह कैंप दिए, अब 18 से 45 के बीच में युवाओं को कैंप देने के लिए ज़रूरत है, जो उनको काम करने के लिए, ट्रेन के लिए, मॉलों में जाने के लिए वैक्सीन कंपलसरी की गई है, तो युवाओं के लिए खासतौर से कैंप लगाए जाए। तो उनकी मांगने को देखते हुए यहाँ तो सही मुमरा कौशक के कई इलाकों में हम लोग 18+45 लोगों को बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ हम वैक्सीन कैंप लगाने वाले, जिसकी जानकारी बहुत जल्द हमारे विधानसभा कार्यालय से होगी। और यहीं नहीं, मुमरा कौसा और अमृत नगर स्टेशन, ये चार जगह पे 18+45 इन इतने लोगों को वैक्सीन कैंप दी जाएगी, ताकि नौजवानों को उसका लाभ उठा सके और उन जो नौकरी में कई जगह जाने में जो उनकी दिक्कत है वो इस कैंप के जरिए सॉल्व हो जाएगी। शानू भाई, अभी भी कहीं ना कहीं लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए मैं एक बात बता दूं, मेरे साफ संदेश है, हम सभी लोगों ने आपको जब ये कोई चीज से संदेश दे रहे तो पहले हमने अपने आप को वैक्सीन ली, चाहे वो शमीम खान जी हो, चाहे हम हो, चाहे डॉक्टर हो, जो भी हो, ये सभी आपके समाज के लोग। ऐसा कुछ लोगों में अफवाह है कि कोई ग्लूकोज के इंजेक्शन ले रहे हैं, ये सब बातें अफवाहें। कई लाखों लोगों ने वैक्सीन ले चुके, अल्लाह का नाम लेके आप वैक्सीन लीजिए, इंशाल्लाह अगर अल्लाह को तकलीफ ही देने करेगी तो एक मच्छर के काटने से भी दे सकता है। और इसके लिए हमने कई लोगों ने ले चुके हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ से प्रॉब्लम होता है तो इफेक्ट जो है उसका साइड इफेक्ट बहुत जल्द नजर आता है। लेकिन आप मुमरा कौसा के अंतर्गत आप देखेंगे जितने भी वैक्सीन सेंटर है, चाहे हमारा कौसा मौलाना अब्दुल कलाम स्टेडियम वैक्सीन सेंटर, हजरत फखरुद्दीन जब बाबा आरोग्य केंद्र वैक्सीन सेंटर स्टेशन पे, इधर आपको कोई भी तरीके की शिकायत और कोई उसकी जो इसकी खामियां हैं वैक्सीन की वजह से हो सकती है, ऐसा कोई भी केस नहीं मिला है। एकाध मामला तो एकाध तो पेन किलर खाने से भी एकाध को इन्फेक्शन हो जाता है, तो एकाध परसेंट कुछ मामला रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरे शहर के अंदर, पूरे थाना महानगर पालिका में क्षेत्र में कहीं भी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं नजर आई है। आपके जरिए लोगों से अपील है कि बी अवेयरनेस, आप इस वैक्सीन को लीजिए, इंशाल्लाह ताला कभी कुछ नहीं होगा।